एक नवंबर को अनीस बाजमी और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूर भुलैया 3 रिलीज होने जा रहे हैं। रिलीज से पहले अनीस बाजमी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। ये फिल्म भूर भुलैया फ्रेंचाइज का हिस्सा है। पहली फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे, उसके बाद भूर भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन नजर आए। ये पूरी तरह से नई फिल्म थी जिसका अक्षय वाली फिल्म से कोई वास्ता नहीं था। अब तीसरे पार्ट में अनीस वैद्य बालन के किरदार मंजुलिका को वापस ला रहे हैं। पिंक विला से हुई बातचीत में उनसे पूछा गया कि क्या अक्षय जी इस फ्रेंचाइज में लौटेंगे। अनीस का जवाब था, अक्षय जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने अपनी जिंदगी की 2 बेहतरीन फिल्में उनके साथ की हैं। इनमें से एक फिल्म वेलकम है। मुझे कितने लोग मिले हैं जिन्होंने अपने घर की शेल्फ में वेलकम रखी हुई है। वो कहते हैं कि जब भी बुरा महसूस करते हैं तब ये फिल्म चला लेते हैं। उसके बाद मैंने सिंह इज किंग बनाई थी, वो उस पिक्चर में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये कभी प्लान नहीं किया गया था कि वो एक सरदार का रोल करेंगे। मुमकिन है कि अक्षय का किरदार आदित्य और कार्तिक का किरदार रूह बाबा कभी आगे चलकर आपस में भिड़ें। इस पर अनीस का कहना था, इससे अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि कार्तिक भी अक्षय के फैन हैं और उनका फैन कौन नहीं है। वो एक पूर्ण एक्टर हैं। उनसे कॉमेडी करवा लो, उनसे इमोशन करवा दो, उनसे गाने करवा दो, उनसे फाइट करवा दो। हमारी दोस्ती भी बहुत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मैं ही खुश होने वाला हूँ। इंशाल्लाह, आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। अनीस की इन बातों से ऐसा लग रहा है कि फिल्म कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भूल भुलैया 3 में अक्षय का कैमियो नजर आ सकता है। खैर, आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड कल्ट को सब्सक्राइब करें।